एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर कितना हो चुका था, 3 तक हो चुका था, क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखेंगे। 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है, बहुत ही इजी होता है ट्रिग्नोमेट्री ट्रायंगल का क्वेश्चन सॉल्व करना, क्योंकि जो प्रूव्ड करना होता है उसी में तो बात छुपा हुआ होता है, आंसर वही होता है, वही चीज को दिखाना है यहाँ पे। तो आकृति 6.19 में एक आकृति दिया गया है कुछ इस फॉर्म में, बहुत इजी क्वेश्चन है, जिसका नाम है ए बी सी, एक ट्रायंगल है, एक त्रिभुज है, और साथ ही दिया हुआ है इसमें एक भुजा ए ई, और इस भुजा के पैरेलल एक लाइन जो ड्रॉ किया गया है जिसका नाम है डी एफ, इसी के पैरेलल ये ड्रॉ किया गया है, और ये एक लाइन जो इससे खींचा गया है वह एसी के पैरेलल है डी। तो हमें प्रूव करके देना है क्या चीज, यहाँ पर हम लिख रहे हैं जो प्रूव करना है कि बी एफ बटा एफ ई बराबर बी बटा ई सी, यही बात प्रूव करके देना है, ठीक है। चलो ध्यान से देखना फिगर को, बहुत आसान है, प्रूव करना है बी एफ, क्या प्रूव करना है, बी एफ बटा एफ ई, यही चीज निर्धारित करता है कि हमको किस ट्रायंगल में जाना है, यही चीज निर्धारित करेगा, देखो इस चीज को पकड़ो, यही बताएगा तुम्हें कि कहाँ चलना है, ढूंढो इस फिगर में कहाँ है बी एफ, यहाँ, और ई एफ कहाँ है, यहाँ। तो ये भुजा से हम ध्यान देते हैं तो कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, ध्यान से देखना, ये भुजा का उपयोग करके हम लोग बनाते थे कि ये ट्रायंगल दिख रहा है ना, और उसमें इसके पैरेलल ये लाइन दिख रहा है ना, क्यों हम इस ट्रायंगल में नहीं चले, बी एफ बी ई डी में नहीं चले, क्यों, क्योंकि इस भुजा के समांतर कोई भुजा है ही नहीं, इसमें तो समांतर होगा तब ना जाके हम पकड़ पाएंगे थेल्स प्रमेय को, जिसको आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय भी कहते हैं। तो पहले जो दिया हुआ गिवन वो लिखते हैं, तो दिया हुआ क्या चीज है, लिख देते हैं एक त्रिभुज ए बी सी में दिया गया है कि, क्या दिया गया है, देखो दिया होगा क्या चीज कि डी ई जो है वह पैरेलल है किसके, ए सी, है ना, डी पैरेलल किसके है, ए सी, और यह भी बात दिया गया है क्या चीज कि डी एफ जो है वह पैरेलल है किसके, ए ई के, है ना, ये बात दिया गया है। टू प्रूव, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है कि, यही बात सिद्ध करना है, ठीक है, ये सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, प्रमाण चाहिए, प्रूफ चाहिए, यहाँ कंस्ट्रक्शन कहीं जरूरी नहीं है, कंस्ट्रक्ट किया हुआ है, जहाँ जरूरत होता है वहां करेंगे कंस्ट्रक्शन। तो प्रमाण, तो प्रमाण के तौर पे हम लोग किस ट्रायंगल में चलेंगे, अभी तुरंत हम बताते हैं, हम लोग को प्रूफ करना है बी एफ बटा ई एफ, तो बी एफ ई एफ ये दिख रहा है ना, मतलब इससे एक ये साइड बना, तो ये ट्रायंगल में हम लोग चलते हैं, किस ट्रायंगल में चलते हैं, त्रिभुज ए बी ई में, त्रिभुज किस में, ए बी ई में, थेल्स प्रमेय से, त्रिभुज ए बी ई में अगर हम देखें तो एक और चीज हम लोग को दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि जो दिया हुआ है उस चीज को पकड़ते हैं, उस पॉइंट को, क्या दिया गया है कि दिया गया है कि डी एफ जो है वह पैरेलल है किसके, ए के, किसके है, ए के पैरेलल है, इसलिए थेल्स प्रमेय से लिखो या आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से लिखो, थेल्स प्रमेय से क्या होगा, जब भुजा समानुपात, ये जब भुजा समांतर है तो त्रिभुज इसको क्या करेगा, समानुपात में क्या करा है, डिवाइड करा है ये भुजा, तो क्या लिखाएगा, बी एफ बट्टा ई एफ वह इक्वल होगा किसके, बी डी बट्टा ए डी के, देखो ना बी एफ ये लाइन पैरेलल है, इसको मिटा दे कुछ समय के लिए, भूल जाए तो दिख रहा है ना, ये इसके समांतर है, यानी बी एफ बट्टा ई एफ जो होगा वह बी डी बट्टा ए डी, बी डी बट्टा ए डी, इसको मानेंगे हम लोग इक्वेशन, समझ आ गया, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग चलते हैं किसमें, देखो कैसे चलेंगे, इसी प्रकार से अगर हम देखें तो ध्यान से देखना, बी ढूंढो कहाँ है,
बी बटा इसी, देखो ध्यान से बी बटा इसी मतलब बड़का को ट्रायंगल बनाएगा, तो बड़का ट्रायंगल में चलेंगे। अब चलेंगे इसी प्रकार त्रिभुज किसमें चलेंगे, ए बी सी में। तो त्रिभुज ए बी सी में क्या समांतर, देखो दिया हुआ ये भुजा जो है ये भुजा इस भुजा के समांतर है, पैरेलल है, ठीक है। तो लिखेंगे क्या चीज, क्या दिया हुआ है यहाँ त्रिभुज इसमें दिया हुआ है क्या चीज, कि DE जो है वह पैरेलल है किसके, AC के। जब इसके पैरेलल है तो यहाँ भी क्या होगा, आधारभूत यानी कि थेल्स प्रमेय से चलेंगे। इसलिए थेल्स प्रमेय से हम लोग क्या कहेंगे, थेल्स प्रमेय से क्या कहेंगे, थेल्स प्रमेय से कहेंगे क्या चीज कि BE बट्टा EC, क्या कहेंगे BE बट्टा EC जो होगा वह बराबर होगा किसके, तो BD बट्टा AD के, किसके बराबर होगा BD बट्टा AD के। समझ में आ गया तक, यह इक्वेशन मेरा हो गया सेकंड। ध्यान से देखना इस दोनों इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करें तो देखो यहाँ पर BD बट्टा AB भी है, BD बट्टा AD ये भी है, जब BD बट्टा AD इसके बराबर है, BD बट्टा AD इसके बराबर, ये दोनों आपस में बराबर होगा इसका मतलब। तो समीकरण एक और दो से क्या कहेंगे हम लोग, समीकरण एक और दो से किस निष्कर्ष तक हम लोग पहुंचते हैं, तो पहुंचते हैं क्या चीज, देखो BD बटा AD भी, BD बटा AD भी यानी कि ये बराबर है इसके, इसलिए समीकरण एक और दो से हम क्या कर सकते हैं कि BF बटा EF जो होगा वह बराबर होगा BD बटा EC के। जो बात हमें प्रूफ करना था वह प्रूफ हो चुका है, समझ में आया कि नहीं, बहुत इजी था। कैसे क्वेश्चन को हम पकड़े वो समझ में आया, कि जो प्रूफ करना है उसी को पकड़ेंगे, वही तो बता रहा है सब चीज। देखो बी बट्टा इसी दिला है, बी बट्टा इसी, तो बी या इसी मतलब दोनों मिला क्या बना, बड़ा भुजा, ये बड़ा भुजा से कौन ट्रायंगल, बड़ा ट्रायंगल बना, तो बड़ा ट्रायंगल में चले इस पक्ष को देखे तो वही देखा बी एफ बट्टा एफ ई, तो इससे ये ट्रायंगल बना, तो इस ट्रायंगल से चले। अब वही ट्रायंगल में चलते हैं जिस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग लाइन पैरेलल, क्या लाइन पैरेलल नहीं हुआ तो उसमें नहीं चलेंगे। तो ये थेल्स प्रमेय में बताया था ना ये बात, कि भुजा पैरेलल होगा किसी त्रिभुज में, किसी भुजा के समांतर कोई भुजा जब खींची जाती है तो वह उस त्रिभुज को क्या करती है, समान अनुपात में विभाजित करती है, या उस भुजा को समान अनुपात में विभाजित करती है, तो थेल्स प्रमेय कहता है, ठीक है। तो 6.2 का लगभग क्वेश्चन जो है वह थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय के विलोम से ही बनता है, इसलिए इससे पहले हम दो थ्योरम बता चुके हैं, जिस बच्चा को समझ में नहीं आ रहा होगा जाके पहले सबसे पहले क्या करे, थेल्स प्रमेय को देखे और समझे, तो बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चन बनाना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 5 भी बहुत ही आसान है क्योंकि इसमें लगभग सारा चीज दे ही चुका है, फिगर भी दे चुका है, और फिगर में कौन किसके बराबर है या अनुपात में है, समान अनुपात में है वो दिया हुआ है, ठीक है, या समांतर जिसको बोलते हैं हम लोग, समांतर हम लोग को पता है। देखो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या चीज, बगल में एक आकृति दिया गया, उस आकृति में हम लोग देखते हैं, सबसे पहले आकृति को ड्रॉ करते हैं, किस प्रकार का आकृति है, इसका नाम है P, इसका नाम है Q और ये इसका नाम है R, ठीक है। एक यहाँ लाइन है EF, कुछ इस प्रकार का आकृति है, यह O है और ये जो है D है। देखो इस आकृति में क्या क्या गिवन है वो लिख लेते हैं पहले हम लोग, तो गिवन जो है हम यहां ध्यान से देख रहे हैं क्या है, आकृति में दिया गया है कि क्या दिया गया है कि DE जो है वह पैरेलल है किसके, DE किसके पैरेलल है, DE पैरेलल किसके है, OQ, DE पैरेलल है OQ, देखो ढूंढो फिगर में, DE पैरेलल है किसके, OQ के, और DF पैरेलल है किसके, ओ आगे दे दिया हुआ है, और DF जो है वह पैरेलल है किसके, OR के, बहुत ही इजी है ना, ये दिया हुआ है, ठीक है। टू प्रूफ, सिद्ध करना हमें क्या है, सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है, कि EF समांतर है QR, सिद्ध करना है क्या चीज, EF जो है वह पैरेलल है, देखो EF जो है वह पैरेलल है किसके, QR के, यही बात हमें प्रूव करके देना है। तो प्रमाण के तौर पे हमें ये दिया गया, यही प्रमाण है मेरा, तो प्रमाण में लेते हैं क्या चीज, प्रमाण यानी कि प्रूफ,
प्रूफ के तौर पे दिया हुआ है क्या चीज कि DE जो है वह पैरेलल है किसके OR के, DE पैरेलल है OR का से OQ के, DE जो है देखो DE जो है पैरेलल है किसके OQ के। तो ध्यान से देखना ये कौन सा ट्रायंगल में आ रहा है, ये पार्ट दोनों पैरेलल, ध्यान देखना ये ट्रायंगल में आ रहा है कि नहीं है, आ रहा है ना। तो प्रमाण में लिखे हैं DE जो है पैरेलल है OQ के, ट्रायंगल किस में, ट्रायंगल POQ में, ट्रायंगल किस में दिया हुआ है POQ में, ट्रायंगल POQ में। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ट्रायंगल POQ में, पहले लिख देंगे ट्रायंगल POQ में, तो ये लिख देते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे किस जो ट्रायंगल होती है लिखेंगे, तो ट्रायंगल POQ में क्या पता है हमें, पता है कि डी जो है वह पैरेलल है किसके OQ, इसके पैरेलल है, जब यह पैरेलल है तो भुजा क्या होगा समानुपाती होगा ना, तो कौन प्रमेय से थेल्स प्रमेय, कौन प्रमेय से थेल्स प्रमेय से, तो थेल्स प्रमेय से ध्यान से देखना क्या हो जाएगा, जब ये भुजा के समांतर यानी कि PE या EP या PE लिखो कोई दिक्कत नहीं, किसी भी हाल में लिख सकते PE बट्टा EQ, PE बट्टा EQ जो होगा वह बराबर होगा PD बट्टा DO के ना, या OD के ना, इक्वेशन मेरा यही हो गया, समझ आ गया था। हाँ फिर देखो क्या दिया हुआ है, अगर हम चले फिर ध्यान से देखना क्या दिया हुआ है, यहाँ देखो DF पैरेलल किसके OR के, तो DF यह है OR का है यह है, तो इससे कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, तो देखो ये ट्रायंगल बन रहा है ना, हम चलेंगे अब किस ट्रायंगल में, हाँ अब हम लोग चलते हैं त्रिभुज किस में, POR में, POR त्रिभुज में क्या दिया हुआ है कि DF जो है वह पैरेलल है किसके OR के, पैरेलल है तो यहाँ भी लगेगा थेल्स, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा भुजा समानुपाती होगा, तो यहाँ भी हम लोग क्या कहेंगे PF बट्टा FR बराबर होगा किसके PD बट्टा OD के ना, इक्वेशन मेरा हो गया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, क्या देख रहे हैं ये दोनों आपस में बराबर, मतलब ये भी इसके बराबर होगा, तो क्या लिखेंगे समीकरण एक और दो से, कितना आसान था समीकरण एक और दो से, क्या देखें हम लोग PE बट्टा EQ जो है वह बराबर होगा PF बट्टा FR, देखो कितना आसान था FR के। अब ध्यान से देखना इस चीज को, यहाँ हमने देखा कि देखो यहाँ देखो कि PE बट्टा EQ PF बट्टा FR के बराबर, मतलब अनुपात समान अनुपात में है, कब हो सकता है जब EF पैरेलल होगा किसके OR, समझ में आ गया, समझ में आ गया नहीं बोलो, तेरा बात प्रूव करना था, इसलिए क्या लिखेंगे थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से, क्या कहेंगे थेल्स प्रमेय के विलोम में बोला था ना कि भुजा क्या होना चाहिए समानुपाती होता है, तो उस लाइन क्या होता है उसके समांतर, तो थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएगा भुजा समानुपाती है, तो ये भुजा इस भुजा के समांतर है, समांतर है, अतः क्या लिखा जा सकता है EF जो है वह समांतर है किसके QR के, यही तो बात प्रूफ करना था, नहीं करना था, प्रूफ हो गया, ठीक है।